जब आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो अपनी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जीपीएस का यूज जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीपीएस में ऐसा क्या होता है जो कुछ ही सेकंड में आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है? आखिर एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये पूरा जीपीएस सिस्टम किस तरह से काम करता है, जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूँ कुलदीप सिंह। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसे नव स्टार भी कहा जाता है। जीपीएस बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जिसे यूएस गवर्नमेंट के द्वारा मिलिट्री पर्पज के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली सैटेलाइट 1978 में लॉन्च की गई। उस समय जीपीएस का यूज केवल यूएस मिलिट्री के द्वारा ही किया जाता था। जीपीएस की हेल्प से यूएस एयरफोर्स दुश्मन देशों के जहाज, वायुयानों और अन्य सैन्य उपकरणों की लोकेशन का सटीक अंदाजा लगाकर उन्हें नष्ट करती थी। लेकिन सन 1983 में एक कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007 सोवियत संघ की ओर जा रहा था। उस समय एयरप्लेन में जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जीपीएस केवल यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था। ये प्लेन अपने साथ 269 लोगों को लेकर जा रहा था, लेकिन गलती से सोवियत संघ के प्रतिबंधित एयर स्पेस क्षेत्र में चला गया, जिसे सोवियत संघ के द्वारा मार गिराया गया। इस घटना के बाद उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने फैसला किया कि जीपीएस को पूरे विश्व में पब्लिकली प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड कवरेज के लिए 24 सैटेलाइट की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए जीपीएस को आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा पहली सैटेलाइट 14 फरवरी 1989 को और 24वीं सैटेलाइट 1994 को लॉन्च की गई। 1995 में पहली बार जीपीएस को आम पब्लिक के लिए ओपन किया गया, लेकिन उस वक्त इसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी इतनी परफेक्ट नहीं थी। सन 2000 तक यूएस गवर्नमेंट ने इस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए, जिसकी वजह से सन 2000 से जीपीएस कवरेज पूरी दुनिया में ठीक तरह से काम करने लगा। 1978 से अब तक अमेरिका जीपीएस सिस्टम के लिए 72 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें से 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग असफल रही। वर्तमान में इन 70 सैटेलाइट में से 33 जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 20,180 किलोमीटर ऊपर अपने ऑर्बिट में मौजूद हैं, लेकिन केवल 31 सैटेलाइट ही पूरी तरह से एक्टिवेट हैं। 20,000 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट से हमारी पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए केवल 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है, जबकि शेष बची हुई सैटेलाइट्स इन 24 सैटेलाइट के बीच के गैप को फिल करती हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है। दरअसल हमारे स्मार्टफोन या किसी भी जीपीएस यूनिट में एक जीपीएस रिसीवर लगा हुआ होता है, जो सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नलों को रिसीव करता है। पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रही प्रत्येक जीपीएस सैटेलाइट एक निश्चित समय अंतराल के बाद सिग्नल भेजती रहती है। इस सिग्नल में उस सैटेलाइट की करंट पोजिशन और सिग्नल भेजे जाने का टाइम निहित होता है। टाइम की सटीक गणना के लिए प्रत्येक सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक ऐसी क्लॉक होती है जो लाखों करोड़ों सालों तक भी सही समय बता सकती है। इन क्लॉक्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना ना के बराबर रहती है। जब इन सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए सिग्नल पृथ्वी पर मौजूद किसी जीपीएस रिसीवर के संपर्क में आते हैं, तो रिसीवर इन संकेतों को रिसीव करके उन्हें रीड करता है। जैसे ही जीपीएस रिसीवर को ये सिग्नल प्राप्त होते हैं, तो रिसीवर सिग्नल प्राप्त होने के टाइम में से सिग्नल भेजे जाने के टाइम को घटाकर यह पता कर लेता है कि सिग्नल भेजने वाली सैटेलाइट उससे कितनी दूरी पर और किस लोकेशन पर मौजूद है। अगर जीपीएस रिसीवर को 3 सैटेलाइट से सिग्नल मिल जाए, तो जीपीएस रिसीवर अपनी लोकेशन को निर्धारित कर सकता है। अपनी लोकेशन निर्धारण करने की इस पूरी प्रोसेस को ट्रायल इटरेशन कहा जाता है, और ये कुछ इस तरह से संपन्न होती है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें लाल बिंदु की जगह आप खड़े हुए हैं। आपके हाथ में एक जीपीएस सिस्टम से लैस डिवाइस है। जैसे ही आप अपने जीपीएस को ओपन करते हैं, आपका जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट ए से सिग्नल प्राप्त कर उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। लेकिन सैटेलाइट ए का कवरेज एरिया केवल इस वृत्त तक ही सीमित है, यानी आप इस पूरे वृत्त में कहीं ना कहीं मौजूद अवश्य होंगे। अब आपका जीपीएस रिसीवर किन्हीं 2 अन्य सैटेलाइट बी और सी से भी सिग्नल प्राप्त कर उनकी लोकेशन और कवरेज एरिया का पता कर लेता है। सैटेलाइट बी के अनुसार आप उसके व्रत में होंगे, जबकि सैटेलाइट सी के अनुसार आप सी के व्रत में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। तीनों ही सैटेलाइट के अकॉर्डिंग आप उनके कवरेज एरिया यानी उनके व्रत में मौजूद हैं। और यहाँ केवल एक ही बिंदु ऐसा होता है जहाँ तीनों सैटेलाइट का कवरेज एक साथ आता है, और यही बिंदु आपकी रियल लोकेशन होती है। यानी अगर सरल शब्दों में कहूँ तो तीनों सैटेलाइट से प्राप्त डेटा की हेल्प से एक जीपीएस रिसीवर 3 इक्वेशन बनाता है, और इन 3 इक्वेशन की हेल्प से ईस्ट, नॉर्थ और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन को निर्धारित करता है।
लेकिन केवल 3 सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल की हेल्प से जीपीएस रिसीवर आपकी जो लोकेशन शो कर रहा हो वो सही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि 3 सैटेलाइट की मदद से जीपीएस रिसीवर केवल 3 इक्वेशन बना पाता है जिससे वो केवल 3 फैक्टर या वेरिएबल के मान ज्ञात कर पाता है, जबकि यहाँ एक चौथा फैक्टर भी मौजूद होता है जिसके बिना किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता, और वो फैक्टर है समय। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए समय ज्यादा तेजी से गति करेगा यदि वो ऑब्जेक्ट किसी भी ग्रेविटी के शोर से दूर होता जाएगा। पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर है, इसलिए उनमें मौजूद एटॉमिक क्लॉक पृथ्वी पर मौजूद क्लॉक से प्रतिदिन 38 माइक्रोसेकंड फास्टर होती है, इसलिए टाइम के सटीक अंदाजे के लिए 4th सैटेलाइट की भी जरूरत पड़ती है। जीपीएस सैटेलाइट के ऑर्बिट को इस तरह से बनाया गया है कि पृथ्वी के अधिकतर स्थान हर समय कम से कम 6 सैटेलाइट की कवरेज में रहें। ऐसे में जब कोई भी जीपीएस रिसीवर 4 या उससे अधिक सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो हमें हमारी करंट लोकेशन पता लग जाती है। एक नॉर्मल जीपीएस डिवाइस जो कुछ समय से उपयोग में नहीं लिया गया है अपनी लोकेशन शो करने में 10 से 15 मिनट का समय ले लेता है, लेकिन अगर हम किसी स्मार्टफोन में जीपीएस का यूज करते हैं तो हमें कुछ ही सेकंड में हमारी लोकेशन पता लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल में AGPS या असिस्टेड जीपीएस का यूज किया जाता है। AGPS जीपीएस का ही एक रूप है, लेकिन ये इंटरनेट कनेक्टिविटी और असिस्टेंट सर्वर का यूज करके अपनी लोकेशन का पता जल्दी लगा लेता है। जब भी हम स्मार्टफोन में जीपीएस और डेटा कनेक्शन ऑन करते हैं तो हमारे स्मार्टफोन में लगा हुआ जीपीएस रिसीवर असिस्टेंट सर्वर से संपर्क करता है। असिस्टेंट सर्वर पहले से ही उस एरिया में विजिबल सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को स्टोर करके रखता है। जैसे ही रिसीवर सर्वर से संपर्क करता है तो सर्वर रिसीवर को सिग्नल ट्रांसफर कर देता है और रिसीवर उन सिग्नलों को रीड करके अपनी लोकेशन को निर्धारित कर लेता है। AGPS का फायदा यह होता है कि GPS रिसीवर को सैटेलाइट से आने वाले सिग्नलों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसे में जहां एक साधारण GPS यूनिट लोकेशन का पता करने में 10 से 15 मिनट ले लेती है तो वहीं एक AGPS डिवाइस से ये प्रोसेस कुछ ही सेकंडों में पूरी हो जाती है। आज के समय में GPS के अलावा केवल ग्लोनास ही एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ग्लोनास भी एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो रूस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वहीं यूरोपियन यूनियन के द्वारा गैलीलियो और चाइना के द्वारा बीएडू सिस्टम भी लॉन्च किए जा चुके हैं। गैलीलियो के 2019 तक और बीएडू के 2020 तक वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है। भारत के द्वारा भी अपना एक खुद का नेविगेशन सिस्टम नेविक डेवलप किया जा चुका है। दरअसल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भारत ने अमेरिका से जीपीएस सिस्टम को सेना के लेवल पर यूज करने के लिए हेल्प मांगी थी, लेकिन यूएस ने इसके लिए साफ मना कर दिया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब हों। इस घटना के बाद भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नेविक डेवलप किया। फिलहाल ये सिस्टम केवल इंडिया में ही उपलब्ध है और बॉर्डर एरिया से 1500 किलोमीटर दूर तक कवरेज दे सकता है। वर्तमान में नेविक सिस्टम में 7 सैटेलाइट हैं जिन्हें पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। आने वाले समय में भारत भी अपने नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।